अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोकैड में अपना दूसरा लोगो बनाएंगे जो कि ये है। मैं इसको बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं 75 की लाइन बनाऊंगा, नीचे 75 का लाइन नीचे बनाऊंगा, फिर 14 यहाँ से और 14 यहाँ से ऊपर जाऊँगा। राइटिंग कमांड ली, F5 दबाया, F8 और 75 इंटर कर दिया। दोबारा कमांड रिपीट की, यहाँ से 14 ऊपर इंटर, स्पेस दबाया, कमांड से हटा, स्पेस दबाया, दोबारा कमांड के अंदर आ गया, यहाँ से 14 ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल उसके सेंटर से ऊपर जाएगी। सेंट्रल लाइन असल में लोगों में हमारी एक रेफरेंस लाइन के तौर पे काम करती है जो आगे हमें पूरी ड्राइंग में हेल्प करती है। ये मेरी रेफरेंस लाइन आ गई। अब मैं बनाऊंगा ये वाला सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो बेस से 71 ऊपर है। ये वाली लाइन में गिराऊंगा पहले 71 बेस से और सेंट्रल लाइन से 58 का हाफ यहाँ पर गिराऊंगा मैं, देखिए फिर 29 होगा। ऑफसेट की कमांड ली, 71 डिस्टेंस एंटर किया, यहाँ से 71 ऊपर, ज़्यादा अच्छा चला गया। मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ लेंथन की कमांड से। इस लाइन को मैं 29 इस तरफ लाऊंगा। ऑफसेट की कमांड से ऑफसेट की कमांड ली, 29 एंटर किया और इस लाइन को ये लिया। ये मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया अपने सर्कल का, इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट ये मिल गया। ये 58 था, 58 का हाफ होगा 29। एक लाइन मैंने यहाँ पे गिराई और बेस से 14 प्लस 57 71 था जो कि मैंने लाइन ऊपर यहाँ पे गिराई। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा 11। सर्कल की कमांड ली, सेंटर पॉइंट लिया और रेडियस मैंने 11 पुट कर दिया एंटर। अब बात आती इस वाली आर्क की बात आती है। ये आर्क जो है इस सर्कल को एक्सटर्नली कट कर रही है, तो इसका रेडियस 24 प्लस इसका रेडियस 11 जो हो जाएगा 35। 35 के पहले मैं यहाँ से आर्क लगा रहा हूँ। सर्कल लिया और यहाँ से 35 की मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। दूसरा जो है सर्कल जो है इस लाइन को भी कट कर रहा है। इस लाइन को इस लाइन से मैं 20, क्योंकि इसका रेडियस 24 है तो मैं इस लाइन से 24 का ऑफसेट यहाँ पे गिराऊंगा। जहाँ मेरा सर्कल और लाइन कॉन्साइड करेगी वही मेरा इस वाली आर्क का सेंटर पॉइंट होगा। मैं लाइन की कमांड ले रहा हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़े से पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब इसको मैं ऑफसेट कराऊंगा ऊपर 24। ऑफसेट की कमांड ली, रेडियस 24 एंटर किया और इसका मैंने ऑफसेट ऊपर 24 कर दिया। ये जो मुझे पॉइंट मिला ये वाला, ये सेंटर पॉइंट है हमारे सर्कल का। तो मैंने सर्कल की कमांड ली, सेंटर पॉइंट लिया और 24 रेडियस इंटर कर दिया। अब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसे हम ट्रिम कर देंगे या फिर कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, इन्हें डिलीट किया। बाकी अपने सर्कल को अब ट्रिम कर दें। पूरा सिलेक्ट किया, ट्रिम की ऑप्शन अप्लाई की। इससे पहले सेलर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि मेरा जो सर्कल है नहीं, सर्कल का नीचे वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली इंटरसेप्ट कर जाए। ट्रिम, ये हिस्सा चला गया, ये भी चला गया और ये लाइन रहने देता हूँ, इसको भी कम्प्लीटली मैं डिलीट कर देता हूँ।
ये पार्ट हमारा बन गया। इसकी मैं बिल्कुल अभी मिरर इमेज यहाँ पे बना लूँगा। तो पहले मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, एम आई फॉर मिरर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और F8 दबा के ताकि मेरी कम्प्लीटली इमेज बने, मैं यहाँ पे ले आऊँगा इसको। ये इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन गई है। फ्रेंड को ख़त्म करना, तो ये ट्रिम की कमांड से ख़त्म होगी। यहाँ से आगे ले जाऊँगा इसको मैं और इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। ये आपको ट्रिम ये कम हो गया, इसको वैसे ही मैं डिलीट कर दूँगा पकड़ के। ये देखो, अब हम बनाएंगे ये वाली आर्क जिसका रेडियस जो है वो 41 है। ये वाली आर्क जो है हमारे अंदर वाले सर्कल को इंटरनली कट कर रही है, तो इसका रेडियस जो होगा 41 माइनस इसका रेडियस 11। पहले मैं आर्क बनाऊंगा 41 माइनस 11 जो कि 30 के पहले मैं आर्क बनाऊंगा। सर्कल लिया और यहाँ से मैंने 30 की आर्क बना दी। दूसरी बात जो मैं पता चल रही है कि देखें ये आर्क जो है इस सर्कल को यहाँ कट कर रही है, सही है। आर्क का रेडियस जो है 41 है, मुझे इसका सेंटर पॉइंट अभी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में, सही है। आर्क जो है 41 है यहाँ पे, मतलब इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो यहाँ से 41 पीछे होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है 41 है। कहीं ना कहीं सपोज कर सेंटर पॉइंट इसका अगर यहाँ पर है तो यहाँ से 41, यहाँ का डिस्टेंस 41 ही होगा ना इससे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन गिराऊंगा और उसको 41 बिल्कुल पीछे ले जाऊंगा। जहाँ मेरा सर्कल और लाइन कोइंसाइड करेगी वही मेरा इस वाली आर्क का सेंटर पॉइंट होगा। तो इसके लिए पहले यहाँ पे इस बिल्कुल यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। लाइन की कमांड ली, सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से मैंने एक ऊपर लाइन बनाई, स्केप दबाया, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ लेंथ की कमांड से नीचे। ये मेरी लाइन बन गई, इसको अब मैं यहाँ पे ऑफसेट करूँगा 41 के डिस्टेंस के साथ। ऑफसेट की कमांड ली, 41 डिस्टेंस इंटर किया और यहाँ पे पीछे मैंने इंटर देखा, यहाँ मेरे सर्कल को लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो यही मेरा सेंटर पॉइंट है इस वाली आर्क का। सर्कल की कमांड ली और यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया और 41 का डिस्टेंस इंटर कर दिया। ये देखें, अब जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसको मैं हटा रहा हूँ। ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका मैं भी यहीं पे रहने दे रहा हूँ। ये अंदर वाले सर्कल को मैं, अंदर वाले सर्कल को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट करूँगा TR फॉर ट्रिम और इसे मैं, क्योंकि मुझे इतना हिस्सा ही चाहिए इसका। अब ये 45 की आर्क ड्रॉ करने से पहले मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमारी जो सेंट्रल लाइन है उससे 23 इधर, एक लाइन 23 इस तरफ है और दूसरी लाइन ये आ रही है। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले मैं ऑफसेट की कमांड ले रहा हूँ, डिस्टेंस 23 लिख रहा हूँ और इसको यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट की लाइन मुझे यहाँ पे 23 की मिल गई। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अच्छा, दूसरी लाइन है जो यहाँ पे, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका हमें कोई प्रॉपर हिंट यहाँ पर मिला नहीं इस डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ये वाला सर्कल बना लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट का हमें प्रॉपर हिंट गिवन है जो कि बेस पॉइंट से 14 प्लस 57 प्लस 34 105 ऊपर है, एक लाइन ये भी, और हमारी सेंटर लाइन से 45 लेफ्ट पे है। तो हम पहले ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट की कमांड ली मैंने, डिस्टेंस लिखा 105 इंटर और इसको ऑफसेट मैंने 105 ऊपर गिरा दिया और यहाँ से 45 लेफ्ट साइड पे है, 45 लेफ्ट साइड पे। और फिर ऑफसेट की कमांड ली, 45 डिस्टेंस इंटर किया, लाइन सिलेक्ट की और इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूंगा इस वाली लाइन को। लेंथन की कमांड से थोड़ा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है 16 रेडियस, 16 का डायमीटर का, जिसका रेडियस होगा 8। सर्कल की कमांड ली और यहाँ पे मैंने 8 का रेडियस मैंने इंटर कर दिया।